छोटी काशी तैयार है अपने आराध्य गोविंद देव जी यानी कान्हा के स्वागत के लिए। कृष्ण मंदिरों के अलावा भी अन्य मंदिरों साज सज्जा का काम जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि परकोटे से लेकर सांगानेर, मालवीय नगर, टोंक रोड, सीकर रोड, सोडाला सहित कई अन्य जगह पर भी महिलाओं ने अपने लड्डू गोपाल के लिए विशेष तैयारियां की है। तो वहीं गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन भी तैयार है अपने समस्त तैयारियों के साथ। इन्हीं तैयारियों को जानने जनता दरबार पहुंचा गोविंद देव जी मंदिर परिसर और लिया तैयारियों का जायजा। आइए आपको भी दिखाते हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर परिसर में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि मेरे पीछे आप जन्माष्टमी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसका पूरा चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है कि 26 तारीख से लेके और 27 तारीख तक क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। और आपको एक विशेष बात बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और साथ के अंदर पिछले साल की अगर बात करें तो जो दर्शनों के लिए जो विशेष व्यवस्था मंदिर श्री गोविंद देव जी की तरफ से की जाती थी पासिस की, वो अब की बार शाम को 7 बजे तक ही लागू रहेगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन जब रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी जन्म लेते हैं उस समय हर एक अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है और इस वजह से भीड़ काफ़ी हो जाती है तो व्यवस्थाएं संभालने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। इसी वजह से सुबह 4:15 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक ही विशेष पास की व्यवस्था है। शाम को 7 बजे के बाद में हर आम व्यक्ति की तरह ही यहाँ पर दर्शन होंगे, किसी प्रकार का कोई पास यहाँ पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर वो दिखाए कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं के जाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो लाइन बनाई गई है प्रवेश पास धारक, उसके बाद में जो भी ऐसे व्यक्ति जो जूते चप्पल नहीं उतार सकते, जो वृद्ध जन हैं उनके लिए अलग लाइन है, और उसके बाद में जगमोहन प्रवेश की एक अलग लाइन है। लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता दें कि सिर्फ और सिर्फ शाम को 7 बजे तक ही ये पास व्यवस्था जारी रहेगी। 7 बजे के बाद में किसी भी प्रकार की पास की या कोई विशिष्ट इंतजाम दर्शनों के लिए नहीं रहेंगे, हर आम आदमी के लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो 5,000 से भी ज़्यादा सेवादार यहां पर लगाए गए हैं। स्काउट गाइड्स के बच्चे बच्चियां यहां पर होंगी, सिक्योरिटी गार्ड्स यहां पर लगाए गए हैं, पुलिस की विशेष व्यवस्था यहां पर रहने वाली है। और आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश का ये मौसम है तो जाहिर सी बात है उमस भी रह सकती है, इसलिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर ये जंबो कूलर लगाए गए हैं ताकि भीड़ की वजह से भी जो गर्मी होती है, जो उमस होती है, उससे जो श्रद्धालु हैं वो परेशान ना हो। तो हर एक चीज़ की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है। पुलिस का कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी भीड़ में किसी का कोई सामान खो जाता है या बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, तो वहाँ पर ये पुलिस का कंट्रोल रूम काफ़ी सहायता इन श्रद्धालुओं की करता है। और हर बार की तरह इस बार यहाँ पर आप देख सकते हैं जूता स्टैंड यहाँ पर नहीं बनाया गया है। अगर आप अपने फोर व्हीलर में आए हैं तो आप अपने जूते चप्पल गाड़ी में उतार के आइए या बाहर अपनी व्यवस्था खुद कीजिए, क्योंकि अब की बार जूते चप्पल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। पानी की समुचित व्यवस्था है यहाँ पर कि श्रद्धालु को अगर प्यास लगती है तो यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। और जगह जगह पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इस लाइन के अंदर ये कुर्सियाँ लगी हैं, इसी प्रकार से जगह जगह पर जो सेवादार हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि अक्सर भीड़ में किसी का भी तबीयत ख़राब होने का अंदेशा रहता है, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो सेवादार उनकी तुरंत उनकी सहायता कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल किट की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि कल की तैयारी के लिए यहाँ पर काम लगातार जारी है और कल यानी कि 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत ठिकाना श्री गोविंद देव जी मंदिर परिसर में हो जाएगी। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं और आज आप देख सकते हैं कि हमेशा भीड़ से लबालब रहने वाला ये गोविंद देव जी मंदिर परिसर आज खाली है, तो उसका भी एक कारण है क्योंकि कल की व्यवस्था करनी है, किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं आए, इसको
गोविंद देव जी मंदिर परिसर के जो भी आयोजन करता है, जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो समुचित ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बम निरोधक दस्ता भी आया था, वो भी पूरी तरीके से जांच करके गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहे। अंदर रोज़ की तरह भजन जरूर चल रहे हैं, और आपको बता दें कि हमारी मंदिर प्रशासन से भी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हर श्रद्धालु की ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा, किसी भी श्रद्धालु को सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दर्शनों की दृष्टि से कोई कमी ना आए। श्रद्धालु एक मन में जो आस होती है अपने आराध्य के दर्शन की, अपने गोविंद के दर्शन की, वो उसकी अधूरी ना रहे, इसके समुचित इंतज़ाम मंदिर श्री गोविंद देव जी की तरफ से किए गए हैं। और एक बार हम आपको फिर से एक बार दिखा दें कि जिस प्रकार से ये लाइनें बनाई गई हैं ताकि जो दर्शन जो श्रद्धालु करने आए वो सुगमता से बिना भीड़ के दर्शन कर सकें, और अपने आराध्य को मन में बसाने की जो उनकी श्रद्धा है वो उनकी पूरी हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।